आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नवनियुक्त आयुक्त गढ़वाल के रूप में सुशील कुमार ने मंडल मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। सुशील कुमार पूर्व में जिलाधिकारी पौड़ी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नवनियुक्त आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि वो पहले भी पहाड़ी जनपदों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों से अच्छे से रूबरू हैं। उन्होंने कहा कि गढ़वाल मंडल में हो रहे विकास कार्यों में भी तेजी लाने का काम किया जाएगा, साथ ही प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आल बेदर रोड के कार्य पूर्ण होने के बाद इस मार्ग के माध्यम से चार धाम यात्रा सरल व सुगम हो जाएगी। इसके साथ ही केदारनाथ के पुनर्निर्माण को लेकर भी कार्यों में तेजी लाने का काम किया जाएगा। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। गढ़वाल मंडल में आज मैंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है और गढ़वाल मंडल की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं और अन्य जो भी स्थितियां हैं उनसे मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं। वर्तमान में मंडल में कई प्रकार की बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण विकास योजनाएं चल रही हैं और उनको गति दिए जाने की आवश्यकता है, चाहे वो सर्व ऋतु चार धाम सड़क योजना हो या ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना हो या केदारनाथ जी के पुनर्निर्माण की योजना हो या बद्रीनाथ जी के महायोजना बनाकर उसको लागू करने की आवश्यकता हो। और इसके अलावा जनपदों में जो विकास कार्य चल रहे हैं विभिन्न योजनाओं में, जैसे जिला सेक्टर है, राज्य सेक्टर है, केंद्र सेक्टर है, तो उसमें जो भी भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएँ हैं उनका हम लोग निरंतर परिशीलन और अनुश्रवण करेंगे और उसको गति प्रदान करने की का प्रयास करेंगे। वर्तमान में एक आपदा की स्थिति भी आई थी, उससे भी जो लोग प्रभावित हैं उनको भी जो भी आवश्यकता हो दिया जाएगा और आगे जो शरदकालीन ऋतु आ रही है और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी आदि की जो आशंकाएं हैं उसको लेके भी जनपदों में जो तैयारी है उसकी भी समीक्षा की जाएगी। और अब एक संभावित कोरोना की स्थिति भी है, उससे भी सतर्क रहने के लिए सभी जनपदों के साथ हम लोग चर्चा करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।